हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो सीरीज, सैनिक स्कूल, RIMC, RMS वगैरह जितने भी ये बोर्डिंग स्कूल्स होती हैं, तो उसमें जो हमारा नंबर सिस्टम वाला चल रहा है, रेशनल नंबर चल रहा है, ठीक है, सिक्वेंस से हम चल रहे हैं। क्यों, देखो जो भी यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो RMC हो, RMS हो। बाद में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम पेपर के फॉर्मेट पे चले जाएंगे, पेपर के पैटर्न पे चले जाएंगे। ओके, अभी आप हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियोज़ आपने देखे होंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट तो जरूर करें कि आपको वीडियोज़ में और क्या चाहिए, ठीक है, जो भी हमारा सेटअप वेटअप है उसमें और क्या सुधार हो सकता है वो आप हमें बता सकते हो, कोई भी सजेशन आप हमें दे सकते हो, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मान लो कोई आपको कोई डिवाइड करना है, कोई LCM HCF करना है, तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आता है, और इस पर अलग से क्वेश्चन भी आता है आपको दिया। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे अगर सैनिक स्कूल का पेपर है तो, कि इसमें से ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो पूरा आपको यहाँ से मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल देखो, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, ये वो रूल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बिना डिवाइड करे, ठीक है, हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे हम बता सकते हैं कि ये नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उस रूल को हम डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। अब हमें पता है नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, हर नंबर के लिए वैसे डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है, ठीक है। अब इतने सारे नंबर हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेन हम आपने देखा होगा 2 से और 9 या 10 तक ही हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं, वरना डिविजिबिलिटी रूल तो किसी भी नंबर का हम बना सकते हैं, ठीक है, किसी का बन सकता है, किसी का नहीं बन सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस हम बना सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं बात करूँ, देखो 1 का तो हम कह नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता ही करता है, आप आँख बंद करके कह सकते हो कि डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधे बात करने वाला हूँ 2 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ़ मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, इफ़ लास्ट डिजिट, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दे रखा है, अगर वो लास्ट डिजिट 0 है, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमने बहुत सारा लिख लिया और समझ कुछ नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतना लिखना है कि हम समझ जाएँ, हम कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0 और इवन नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है या इवन नंबर है, इट मींस अगर लास्ट डिजिट आपको 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर आपका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट हम जिसे कहते हैं, किसी भी संख्या में अगर लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 100% कम्प्लीटली एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, ये मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, रूल भी कह रहा है, ठीक है। मान लो कोई एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है 2, 3, 4, 8, 9, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, आपको सीधे देखना है लास्ट डिजिट 8 है, नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, अदरवाइज आप किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करोगे, डिवाइड तो होगा, हम यहाँ पे एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है और वहाँ पे जो कोसेंट होता है उसमें भी कोई पॉइंट वॉइंट नहीं होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मैं ये नंबर लिख दूँ 2, 3, 4, 8, तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी लिख दो 5, 7, 9, 1, 0, 0 भी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 का आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 के, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सीधे हमें क्या करना है, इफ़ सम ऑफ कोई भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट हैं अगर मैं उन सबको प्लस कर दूं, मैथ में सम मीन्स होता है प्लस करना, ठीक है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, बात समझ आ रही है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर है उसे हमें उनके डिजिट को हमें प्लस करना है, मान लो मेरे पे ये नंबर है 2, 5, 3, 8, ठीक है, इनको मुझे प्लस करना है, मैं क्या करूँगा 2 + 5 + 3 + 8, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर लोगे 2 + 5 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 8 = 18, अब 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 = 18 होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा,
अब बोलो, नहीं तो हमें पूरा ये 3 से डिवाइड करना होता, फिर पूरा हम जो भी डिवीजन करते हैं वो करना होता है, ठीक है, फिर लास्ट में अगर 0 आता हम कहते हैं कि ये डिविजिबल है। और ऐसे हमें सीधे हमें रूल पता है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, हमने डिजिट को प्लस करा, 2 + 5 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 8 = 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। मान लो अगर यहाँ पे 7 हो जाता, तो फिर ये क्या होता, 17 होता, तो 17 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अब 4 का, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ 4 का, ठीक है। 4 का क्या है, 4 का हमें सीधे देखना है, इफ लास्ट 2 डिजिट, अभी तक हम एक डिजिट देख रहे थे 2 में, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और या यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 00 हैं, ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, या लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट में आपका 00 है, तो वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये है 2 3 8 4 2, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखो 42 है, तो 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऐसा है 2 3 8 4, अब लास्ट के 2 देखो 84 डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4, ठीक है, आई मीन 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 2 3 8 4 यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। हमने क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट देखे। मान लो अगर मेरे पे ये नंबर है, ठीक है, 78 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, पूरा नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 00 है, ठीक है, अब देखो लास्ट के 00 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया 4 का। 4 के बाद देखो 5 का, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, याद कर लेना इनको अच्छे से, याद क्या करनी, समझनी है चीज़ें बस। 5 का तो बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, फॉर एग्जाम्पल 2 5 8 5, डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। देखो 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, और यहाँ पे 3 बैलेंस बच गया, 5 7 जो 35, ठीक है, चाहिए ऐसा हो 3 5 0, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लास्ट के देखना है, आपको लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 होगा तो वो नंबर आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आपको आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं किसका, 6 का। 6 का भी सिंपल है, अब यहाँ पे पूरा नंबर देखो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, ठीक है, हमें क्या देखना है, अगर वो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 = 6 होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पे ये नंबर है 286, इसमें तो सारे इवन नंबर हैं, 286 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा, 3 से हो रहा है, 3 के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 8 + 2 = 10, 10 + 6 = 16, 16 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो ये नंबर 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, फिर 6 से भी नहीं होगा, 6 से होने के लिए इसको दोनों से होना ज़रूरी है। देखो हम क्या करेंगे, 6 4 = 24, ठीक है, और 6 5 = 30, तो 6 4 = 24, यहाँ पे बैलेंस बचा 4, यहाँ पे 46, और 6 7 = 42 होता है, 6 8 = 48 होता है, 6 से डिवाइड नहीं होगा, आई बात समझ में। 6 का भी सिंपल है। 6 के बाद हम चलेंगे 7 पे। देखो कभी कभी ना आपको 7 का रूल नहीं लिखवाया जाता है, जनरली नहीं लिखवाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो 7 का रूल है वो थोड़ी लंबा पड़ जाता है, उसमें मतलब हमें डिवाइड करना ही होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है, स्टेप वाइज मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करना होता है हमें, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होता है उसका हमें ट्वाइस करना होता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, इफ रिजल्टिंग नंबर
if resulting number is divisible by 7. रेट नंबर डिविजिबल बाय 7 तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा लिख सकते हो, समझ में तो आ रहा होगा। 7 का है, हमें लास्ट डिजिट का ट्वाइस करना है। एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, फिर कॉमा करा है, ठीक है। मान लो ये मेरे पे एक नंबर है 2 3 8 7 5 6, ये मान लो मेरे पे एक नंबर है। इसमें क्या बोला, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 6, इसका क्या करना है हमें, ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब डबल, डबल कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, 6 to 12 है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर मतलब जिस नंबर का आपने ट्वाइस करा उसे छोड़ के, ये बन गया 2875, ठीक है। अब 2875 में से मुझे क्या माइनस करना है, 2875 माइनस ये 12 माइनस करना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट फॉर रिमेनिंग नंबर, इफ रिजल्टिंग नंबर तुम इसे माइनस करोगे, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब तुम इसमें से 12 माइनस करोगे तो ये 28 समथिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। छोटा नंबर तो आएगा नहीं, बड़ा ही नंबर आएगा, मतलब वहाँ पे हमें ये नॉर्मल डिवाइड करना ही पड़ेगा, ऐसा ये वाला डिवाइड करना ही पड़ेगा ऐसे में, ठीक है। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप सीधे इसी नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, है ना, क्योंकि डिवाइड हमें करना ही पड़ रहा है। बाकी जो ऐसा कर सकता है वो अच्छी बात है। क्लियर हो गया 7 का, ठीक है। इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल लिखवाया नहीं जाता है, लिखवा दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं 8। 8 का भी सिंपल है, हमें क्या देखना है, इफ लास्ट, अरे यार हमें क्या देखना है, इफ लास्ट 3, अब यहाँ पे 3 डिजिट हमें देखनी, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपको 8 से डिविजिबल हो जाते हैं, या लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 000 है, ठीक है, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं एक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने, लास्ट मेरे पे नंबर है 2 6 7 8 4 2, ठीक है। ये हमें देखना है कि ये लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 4 2, 8 4 2 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 8 बन जाए 8 5 जा 40, ठीक है, नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट मैं लिखूँ, अगर यहाँ पे 3 मैं लिखूँ यहाँ पे 0 कर दूँ, ठीक है, तो ये नंबर 8 से होगा, देखो 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24 होता है, यहाँ पे 2 बचा 27 हो गया, फिर 8 3 जा 24, 3 बचा 38 हो गया, फिर 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 6 बचा 64, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, या अगर यहाँ पे लास्ट में 3 0 भी होंगे तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सिंपल है ना चीज़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9, ठीक है। चलो यहीं पे कर लेता हूँ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है जैसे 3 का है, ठीक है। हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इफ वी लिख देना, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जैसे हमने 3 में करा था, ठीक है। 3 में करने के लिए हमें क्या करना है, 2 मान लो मेरे पे ये नंबर है 2 5 6 8 7, ये नंबर है, ठीक है। मुझे अगर मैं ये प्लस करूँगा, 2 + 5 कितना होता है 7, 7 + 6 13, 13 + 8 कितना होता है 21, 21 + 7 28, 28 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नंबर 9 से नहीं होगा। प्लस करके देख लें, मैंने जल्दीबाजी में करा, ठीक है, ये मत बोल देना कि सर ने गलत बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 8 कर दूँ या 6 कर दूँ, अब देखो 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 6 27, और 27 9 3 जा 27 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना, 27 9 3 जा 27 ही होता है। इसके बाद लास्ट होता है हमारा क्या, या लास्ट एक नाम कह सकते हैं 10, जनरली 10 तक ही लिखवाया जाता है, ठीक है। 10 क्या क्या है, इफ़ लास्ट डिजिट 0, ये भी सिंपल है, इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिख लो 285, 10 से होगा, नहीं होगा, 0 लगा दो 10 से हो जाएगा, ठीक है। 10 2 जा 28 बच जाएगा, 85 हो जाएगा, 10 8 जा 85 हो जाएगा, 50 10 5 50, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बताओगे तो ऐसे ही आप जल्दी कर लोगे,
समझ में आपको आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो 10 का भी होगा लास्ट, चलो एक और कर ही देते हैं 11 का। ठीक है, 11 का वैसे 10 तक ही बहुत है, लेकिन 11 का भी देखना है तो देख लो। 11 का क्या करना है, हमें क्या करना है, डिफरेंस इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट इज डिविजिबल बाई 11 और 0। क्या लिखा, समझ आया? इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट इज डिविजिबल बाई 11 और 0। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पे एक नंबर है 1352, मान लो एक नंबर है। अब हमें इसके 11 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर दूंगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे इवेंट प्लेस क्या है, इवेंट प्लेस मतलब जो इवेंट नंबर है उसके प्लेस पे क्या है, 2 पे 3 है, मैं इनको प्लस कर दूंगा 3, और 4 पे 2 है, 3 + 2 = 5। ठीक है, अब ऑड प्लेसेस पे क्या है, 1 है 3 है, 1 है 5 है, 1 + 5 = 6, 5 - 6 या 6 - 5 1 होता है, 1 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, अब क्या होगा, देखो इवेंट प्लेस देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 4 है 2 है। ठीक है, तो 3 + 3 अगर मैं करूँ तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे भी अगर मैं क्या करूँ, ऑड प्लेस देखो, अब 1 और 5, 1 + 5 = 6, 6 - 6 = 0, डिफरेंस निकालना है, 0 11 से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये हमने रूल पढ़ा ना कि अगर 11 से डिवाइड हो रहा है या 0 है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे रूल थे हमारे 2 3 5 2 3 4 से लेकर के 11 तक। जनरली आपको 10 तक याद होने चाहिए, ठीक है, 11 का भी है तो अच्छी बात है, बाकी जितना आगे आप जा सकते हो, लेकिन इतना हर किसी के लिए, मैथ के लिए इतना सफिशियंट होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमें अपना व्यू ज़रूर बताएं, अपने सजेशन आप मुझे बेफिक्र बता सकते हो। ठीक है, आपके सेशंस का स्वागत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।